क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं? और फिर सबसे ज्यादा असुरक्षित प्यारी समझ गई, अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं लखनऊ में, हर दिन हमें खबरें मिलती है, हमें अगर खबरें ये वो है तो खास क्या? आज की हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे प्रदेश की खबरें, तो इतनी खबरें देखने को मिलती है। अभी कह दो ना दिल्ली के करीब पिछले कुछ दिनों में कितनी घटनाएं हुई महिलाओं को लेकर, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। आप किया दुष्कर्म, आप खुद जानते हैं, बेटी से दुष्कर्म, पति बस्ती में एफआईआर लिखाने के लिए पकड़े जाने के लिए पूरी जनता सड़कों पर, महिला बड़े पैमाने पर सामने अंधेरे में करती है। और नोएडा की खबर प्यारी समझ गई, तो बाद में बताऊं मैं, महिला वकील का भारी मत होंगे, सरकार पता नहीं अपना पक्ष क्या बताएगी। इसी तरह नोएडा के लिए 5 महीनों में रेप केस, रेप केस हर दूसरे दिन हुई वारदात, क्या ये वही कह दो ना जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है? यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, क्या ये लोग किसी, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कन्नौज के सांसद चौकी में घुस करके पूरी और एफआईआर दर्ज हो गई लखनऊ से, दबाव ऐसा पड़ा कि उस एफआईआर में पता नहीं है, हम अंधेरे में करते हैं और कार्यक्रम करने खुले आम क्या कहानी सुनाते हैं? 10 साल 15 साल 20 साल तुम्हारी कहानी है, जब हम राजनीति में नहीं थे तब की कहानियां सुनाते हैं लोग, लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर क्या ये कब्जा करते हैं दिल्ली के बगल में 5 महीने में रेप, किस कह दो ना लखनऊ में सीसीटीवी पर नहीं मिली मिलती है, पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दिया, जान जाना थाने में, जान जाना कोर्ट में, जान जाना नहीं पता है, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ कर छुपी हो, तो जाओ। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये कि किस स्थान पे मारा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया वहाँ मारा जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में समझ गई। एफआईआर और दायर करने के लिए मुख्य की आवाज में इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में, यहाँ आकर के जहर खाएं सोचिए, आप सोच सकते ये लोग ऑर्डर नहीं देते, हम अंधेरे में करते हैं और तूने भी कर रखा है वो मैंने भी कर रखा है, कह दो ना की बड़े अरे आप अपनी सोचिए, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। क्या चला दू, क्या भरोसा इस बात का, नहीं पता है उजाला क्या बात कर रहे हो आप, इस सांसद ने और बीजेपी के विधायक ने, हालांकि महिला विधायक है, उसने एक मुस्लिम को 10,000 प्यारी समझ गई, और बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के मंदिर गंगा हुआ 17 लोग छील गए, जब मास समाजवादी ने रखवाया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मास मंदिर में रखवाया था, मंदिर में ऐसा जवाब देने पास, जो लोग जेल गए उनसे मिलने का कह दो ना, ऐसा सब पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो हम समाजवादियों को बता के 2 दिन पकड़ के दे देंगे, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। मुख्यमंत्री भी हमसे मिले हुए हैं, नहीं पता क्या बात कर रहे हैं आप, उजाला।